everyone, this is Nushat here and you are watching NK Edukia. So बच्चों, you know we are doing maths of NCERT class 9th. आज के इस वीडियो में हम करेंगे you know theorem number 10.4. okay, NCERT class 9 के theorem 10.4 हम इस वीडियो में करेंगे. So let's see what the question says. Theorem क्या कहती है? You know theorem 10.4 says here the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. You know, 10.3 के just reverse, just उल्टा. 10.3 के just reverse है ये theorem. Okay? 10.3 में हमने क्या किया था? 10.3 में हमें ये हमने simply ये किया कि वह जो line center से जो pass होती है, वह perpendicular line जो center से होते हुए pass होती है, chord तक वो chord को simply bisect करती है. That is AP equals to PB. हमने किया था यहाँ पे AP equals to PB. But इसमें हमें ये प्रूफ करने हैं कि एक लाइन जो सेंटर से होते हुए पास होती है, सेंटर से होते हुए कॉर्ड तक जाती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ओके, वो लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है कॉर्ड के परपेंडिकुलर. दैट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. परपेंडिकुलर मीन्स व्हाट? हमें प्रूफ करने होंगे कि दिस एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी. मीन्स हमें ये प्रूफ करने के 90 डिग्री है और इक्वल भी होगी क्योंकि इक्वल एंगल्स बनाएंगे ऑब्वियसली. ओके, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है. ओके, वह परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है. लेकिन हमें यहाँ पे इस थ्योरम में प्रूफ करने हैं कि एक लाइन सेंटर से होते हुए जाती है कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हुए. हमें प्रूफ करने हैं कि वो लाइन क्या है. हमें प्रूफ करने हैं कि वो लाइन है परपेंडिकुलर. That is perpendicular to the chord. वो chord के perpendicular है. Means 90 degree वाले line है. Straight line है. Understood? So just look here. इसे proof करने के लिए हमने जो simply what given to proof or proof जो steps हैं वो steps यहाँ पे पहले से written कर रखे हैं. Okay? अब हम simply written करेंगे जो given है. Given क्या है? Okay? Given ये है कि AP, you know OP is line. OP is a line which bisects AP. AB in two parts, AP and BP. So OP is a line. Is a line passing through center. Passing through the जो center से pass होती है. Bisects chord. Bisects AB. Okay? AB. It means AP equals to PB. ये given है कि AP PB के बराबर है. एक लाइन जो सेंटर से होते हुए पास होती है, okay? वो कॉर्ड को कॉर्ड AP को बाइसेक्ट करती है. It means AP equals to PB. हमें प्रूफ क्या करने हैं? हमें ये प्रूफ करने हैं डेट एंगल OPA equals to angle OPB. Angle OPA equals to angle OPB and that is equal to 90 degree. Angle APO, angle APO equals to angle OPB. ये दोनों angles equal हैं और ये दोनों के दोनों 90 degree हैं. Perpendicular lines हैं. स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल. मींस स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइन मींस व्हाट? सबटेन 90 डिग्री एंगल बनाती है, राइट? सो यू नो प्रूफ में हम क्या करेंगे? सिंपली दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. ओके, सेम जस्ट लाइक 10.3 की तरह हमें इसे भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा. सो इन ट्राइंगल एओपी ट्राइंगल इन ट्राइंगल triangle AOP, triangle AOP and triangle BOP, triangle AOP and triangle BOP में क्या क्या चीजें गिवन है? OA equals to OB, why? OA OB के बराबर क्यों है? सेम रेडियाई सेम है. ठीक, OP equals to OP common, दोनों ट्राइंगल में है ये साइड दोनों ट्राइंगल में है. एंड एपी इक्वल्स टू पीबी गिवन है. एपी इक्वल्स टू पीबी, एपी पीबी के बराबर है, गिवन है ये. सो बाय साइड साइड साइड
S S S side 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 by S S S rule by S S rule S S rule के तहत okay triangle A O P triangle A O P congruent to triangle B O P triangle A O P triangle B O P में क्या है congruent है so बच्चों by S S rule triangle A O P congruent हो जाती है triangle B O P की okay और हमें क्या प्रूफ करने हैं हमें प्रूफ करने हैं दैट जो लाइन सेंटर से होकर पास हो रही है वो कॉर्ड को एबी को कॉर्ड एबी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है राइट मींस एंगल ओपीए और एंगल ओपीबी इक्वल्स टू 90 डिग्री मींस 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है राइट सो हमें प्रूफ करना होगा ओपीए इक्वल्स टू 90 डिग्री जस्ट लुक या हमने ये ट्रायंगल को प्रूफ कर लिया दैट एओपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीओ जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं then this angle will be equal to this angle by CP CD. Hence, हम करेंगे hence angle OPA angle OPA is equal to angle OPB angle OPA equals to angle OPB ये दोनों angle equal हो जाएंगे by CP CD. कैसे CP CD से CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे राइट नाउ एंगल OPA एंड एंगल OPB इक्वल्स टू 180 डिग्री कैसे लीनियर पेयर से सो एंगल OPA प्लस एंगल OPB इक्वल्स टू 180 डिग्री हाउ कैसे देन आप करेंगे यहां पे लीनियर पेयर LP लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड वी हैव प्रूव्ड हम ये प्रूव कर चुके हैं सीपीसीटी से कि ओपीए और ओपीबी दोनों इक्वल एंगल्स हैं दिस इज इक्वल टू दिस सो क्यों ना हम ओपीए ओपीबी के प्लेस पे ओपीए ही रिटन करें जब इक्वल है तो हम रिटन कर सकते हैं ना कोई दिक्कत नहीं सो एंगल ओपीए प्लस एंगल ओपीए ओपीबी के प्लस पे हम लिखेंगे ओपीए क्यों बिकॉज बोथ आर इक्वल OPA equals to 180 degree. Now OPA, OPA कितनी हो गई? 2 OPA. 2 angle OPA equals to 180 degree. Therefore, angle OPA equals to 180 degree divided by 2 equals to 90 degree. Hence, angle OPA equals to 90 degree. Angle OPA equals to 90 degree जब हमारी proof हो जाती है. Hence, O angle OPA equals to 90 degree. ये 90 degree prove हो गई. It means yes, the line which is passing through the center, okay, bisect the chord at you know right angle. जो line center से pass हो रही है chord को bisect करती हो, actually वो line perpendicular line है. Means 90 degree पे bisect करती है. Got it? Clear? आगे समझ में? Now let's see the next one.